दोस्तों यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि सिर्फ फोटो वाली वीडियो डाल करके किसी चैनल पर एक चैनल है जिसमें 3 महीने के अंदर में 1,00,000 सब्सक्राइबर यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। यहां पर देखिए 99,500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और यहां पर व्यूज देखिए 1 महीना पहले 16 मिलियन व्यूज गए हैं, 1 मंथ पहले 1.9 मिलियन व्यूज गए हैं और यहां पर देखिए यहां पर 2 वीक्स पहले 4 वीक्स पहले वीडियो अपलोड की गई है 2,18,000 व्यूज के सिर्फ फोटो वाली वीडियो डाल करके। दोस्तों आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसा चैनल कैसे बना सकते हो जिसमें ना तो आपको चेहरा दिखाने की पड़ेगी, ना आपको वीडियो बनाना पड़ेगा और ना ही आपको आवाज डालना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक ऐसा मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल होना चाहिए और आप काइन मास्टर से एडिट करके वीडियो, ऐसी वीडियोज आप बना सकते हो। यहां पर आपको रिजल्ट मैंने सामने दिखा दिया है कि आप देखो यहां पर 1 महीना पहले यहां पर देखिए 16 मिलियन व्यूज है और 1 मंथ पहले 1.9 मिलियन, 4 वीक्स पहले वीडियो अपलोड की गई 2,18,000 व्यूज, ये देखिए 1 महीना पहले वीडियो अपलोड की गई 2,21,000 व्यूज, यानी कि लाखों में व्यूज आ रहे हैं। और इस चैनल को यहां पर मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूं, चैनल बना कब हुआ है ये देखिए 30 नवंबर 2022 को, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अभी आ गया है, 3 महीने के अंदर में व्यूज जरा काउंट कीजिए। आप यहां पर ध्यान से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,00,000, करोड़, 1,88,15,112 व्यूज, मतलब 1,89,00,000, 90,00,000 के करीब में मान लीजिए। अब सोच लीजिए कि सिर्फ फोटो वाली वीडियो डाल करके 3 महीने के अंदर में क्या दिमाग लगा करके, हाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रिक लगा करके और वीडियो अपलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग करके ये चैनल इस तरह से क्रिएट किया गया है कि इस पर मिलियंस में व्यूज आ सकते हैं। आप लोग भी ऐसा चैनल क्रिएट कर सकते हो, तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। यहां पर आपको एक चीज मैं और दिखा दे रहा हूं, मोटिवेशनल पिक्चर इस चैनल का नाम है और यहां पर मैंने सोशल ब्लेड पर इस चैनल को ओपन किया हुआ है, देखिए यही चैनल है। 30 वीडियो अपलोड हुई है इस चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ मात्र 30 वीडियो में ही यहां पर देखो 1,00,000 सब्सक्राइबर यहां पर कंप्लीट हो गए, यानी कि मतलब अगर देखा जाए, अगर 1 महीने के हिसाब से देखा जाए, अगर 1 महीने में 1 वीडियो डाला गया है तो 30 दिन में 30 वीडियो होती है, लेकिन यहां पर रेगुलर वीडियो भी अपलोड नहीं की जाती है, यहां पर कुछ दिन का गैप दे करके वीडियो अपलोड की जाती है। और यहां पर देखो आपके सामने मैंने प्रूफ दिखाया ना, 1,00,000 सब्सक्राइबर यहां पर कंप्लीट हो गए। अब जरा यहां पर अर्निंग की बात कर लेते हैं, ये चैनल कमाई कितना करता है, तो यहां पर देखो एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग की बात मैं करता हूं, $4,600 से लेकर के $72,000 तक दिखाया गया। मैं सबसे कम डॉलर पकड़ता हूं $4,600। अब यहां पर मैं आता हूं न्यू टैब में, यहां पर मैं सर्च करता हूं डॉलर टू रुपीज, यहां पर ओपन हो गया, $1 का दाम कितना चल रहा है, ₹82.68। अब यहां पर मैं इसे डिलीट करके यहां पर मैं $4,600 लिखता हूं। अब आपकी आंखों के सामने यहां पर रिजल्ट है, 380,339 रुपए, यानी कि 380,000, 4,00,000 रुपए के करीब में ये जो चैनल है सिर्फ फोटो डाल करके कमाई कर रहा है, सिर्फ फोटो डाल करके कमाई कर रहा है। और यहां पर आप सब लोग, मैं वीडियो क्या बनाऊं, मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो बहुत सारी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन यहां पर देखो दिमाग कहते हैं ना, दिमाग अगर आपके अंदर में है, अगर आपके अंदर में क्रिएटिविटी है तो आप किसी ना किसी तरीके से आप कुछ ना कुछ चीजें कर ही लोगे। यहां पर फोटो डाल करके किया गया। अब मैं इस वीडियो को आपके सामने ओपन करके दिखा दे रहा हूं कि आखिर ये वीडियो कैसी बनी है और आपको मैं बताऊंगा कि चैनल कैसे बनाना है, आपको वीडियो वायरल कैसे करना है, ट्रिक कौन सा लगाना है और आपको अपनी वीडियो को एडिट कैसे करना है, सारा सब कुछ मैं आपको ले चल के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो को यहां पर आपके सामने ओपन कर लेता हूं, ठीक है ना, ये जो वीडियो है यहां पर आप देखोगे तो वीडियो में आवाज नहीं है, आपके सामने देखो वीडियो चल रही है, वीडियो में आवाज नहीं है और वीडियो में ना ही चेहरा दिखाया गया, लेकिन वीडियो में मिलियंस में व्यूज क्यों है मैं आपको बताता हूं। यहां पर ध्यान से सुन लीजिए, इस वीडियो में आपको ये फोटो दिख रहा है ना, फोटो में कुछ ना कुछ ऐसे ही आप फोटो नॉर्मली अपलोड कर दोगे तो आपके व्यूज नहीं आएंगे, आपकी वीडियो वायरल नहीं जाएगी, आपको फोटो में कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। ये सारी वीडियो जो है, ये सारे फोटोज हैं, कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं जो आज के लाइफ से रिलेट करता है। यहां पर देखिए टूडेज रियलिटी, रियलिटी क्या है, हाई इनकम लेस पीस ऑफ माइंड, यानी कि पैसा तो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन सुख शांति बहुत कम है। और भी वीडियो चलती है यहां पर देखिए आपके सामने, और भी यहां पर आता है, देखिए आज का जमाने का ही है, आज के जमाने से लोग रिलेट कर रहे हैं, यानी कि एक देखिए सेल्फी लेता हुआ आदमी भिखारी को पैसा दे रहा है। अब इसी तरह से फोटो अपलोड कर दोगे तो नहीं होगा, लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा गया है, डू गुड विथ इंटेंशन नॉट फॉर अटेंशन, यहां पर ये लिखा गया है इस मैसेज में, ये इस वीडियो में ये संदेश दिया गया है
कि अच्छा काम करो नेक इरादे से, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। यानी कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज दिया गया और लोग पसंद भी करें, इसीलिए मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। आपको कैसे करना, अब इसी को कॉपी आपको नहीं कर देना है भैया, हम भी इसी तरह से अपने चैनल पर यही सारे वीडियो डाल देंगे, कॉपी करके वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारे वीडियो पर व्यूज आएंगे। नहीं, कॉपी नहीं करना, हम आपको कुछ दूसरा तरीका बताने वाले हैं। चलिए मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले चल के दिखाने वाला हूं कि कैसे आप इस तरह की वीडियोस बना करके काइन मास्टर में, आप इस तरह की वीडियोस बना करके फोटो कहां से मिलेगा, फोटो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी पिक हैं इन सभी पिक को कॉपीराइट भी मिल सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि फ्री कॉपीराइट आपको इमेज कहां से मिलेगा और आप उन सारे वीडियोस को, उन सारे फोटोज को आप काइन मास्टर में एक वीडियो कैसे बना सकते हो और बैकग्राउंड म्यूजिक डाल करके आप कैसे ऐसे वीडियोस बना करके आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो और चैनल कैसे बनाना है, सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। यार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करना, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए चैनल पर लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको एक YouTube चैनल बना लेना है, ठीक है। आपको YouTube चैनल कैसे बनाना है, मैंने इस वीडियो के आई बटन में भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में भी लगाया है। ये वाली वीडियो देखने के बाद जब आप इस पूरी वीडियो को आप देख लोगे तो जा करके देखिए कि चैनल कैसे बनाया था। जब आप चैनल बना लोगे तो कैटेगरी, इस वीडियो की कैटेगरी क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो की कैटेगरी होगी, आप एजुकेशनल आप ले सकते हो, कैटेगरी आपको एजुकेशनल लेना है क्योंकि ये जो वीडियो है एजुकेशनल टाइप वाली वीडियो है। तो जब आपने चैनल को बना लोगे और कैटेगरी आप अपना सेलेक्ट कर लोगे, इसके बाद आपको फोटो कहां से मिलेगा, तो यहां पर सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आना है और प्ले स्टोर में आने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों, इमेज सर्च मैन, ठीक है। इमेज सर्च मैन इस तरह से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहां पर मैंने डाउनलोड किया, आपके सामने यहां पर दिख रहा है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अब आपने अपना चैनल बना लिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद में अब आपको फोटो यहां पर फाइंड आउट करना है कि जो आप वीडियो बनाओगे उस टाइप की फोटोज आपको कैसे मिलेंगे। तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहां पर मैंने देखिए कॉपी पेस्ट कर दिया है कि मतलब जैसे मान लीजिए आप किस टाइप की वीडियोस बनाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहते हो तो मोटिवेशनल से रिलेटेड आप यहाँ पर फोटो डाउनलोड कीजिए। अब जैसे मान लीजिए मैं नॉलेज देना चाहता हूँ पॉल्यूशन के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ठीक है, धरती पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना नुकसान हो रहा है, वो सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा प्लैनेट पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इल्यूस्ट्रेशन वेक्टर इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से करके मैंने यहाँ पर सर्च किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने जब सर्च किया, देखिए आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी फोटोज आ गए, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना, अब इनमें से कौन सी फोटो, जैसे मान लीजिए यही वाली फोटो मैंने ओपन किया, अब ये मुझे नहीं पता है, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या लिखा गया है, 1300x1300, ठीक है, ये इमेज का रेजोल्यूशन बताया गया है और यहाँ पर हमको ये नहीं पता है कि ये जो इमेज है ये कॉपीराइट फ्री है या कॉपीराइट फ्री नहीं है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जाना है यहाँ पर जो सेटिंग वाले ऑप्शन पे है, तो यहाँ पर देखो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको लिखा गया क्या, टाइप, एनी टाइप, एनी टाइप पे आप क्लिक करोगे तो फेस, फोटो, क्लिप आर्ट, लाइन ड्राइंग, एनिमेशन, जीएफ, सारे जीआईएफ सारी चीज़ें मिलेंगी। कलर में कोई भी कलर आप चुन सकते हो, ठीक है। साइज़ यहाँ पर देखिए आपके मिल जाएंगे, एनी साइज, लार्ज, मीडियम, आइकॉन, ठीक है, टाइम, एनी टाइम, और यहाँ पर नीचे लिखा गया है लाइसेंस, लाइसेंस भी आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए कई सारे लाइसेंस मिलेंगे, नो फिल्टर बाय लाइसेंस, लेबल्ड फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन, यानी कि ऐसी फोटो जो मॉडिफिकेशन यानी कि लेबल लगाई हुई है कि उसको आप रीयूज कर सकते हो, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, रीयूज विथ मॉडिफिकेशन, और इसके बाद यानी कि आप उसको रीयूज कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हो, अब मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हो एडिटिंग करने के टाइम पर मैं आपको बताऊंगा। और नीचे यहाँ पर क्या लिखा गया, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल यूज विथ मॉडिफिकेशन और लेबल फॉर नॉन कमर्शियल यूज, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से नॉट फिल्टर बाय लाइसेंस पे हमको क्लिक करना है और आपको यहाँ से इमेज लेना है और आपको कैसे इमेज डाउनलोड करना है और उसमें मॉडिफाइड कैसे करना है मैं आपको एडिटिंग करते समय बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये वाली फोटो डाउनलोड कर ली, देखिए धरती माता के साथ में यहाँ पर क्या अत्याचार हो रहा है, धरती माता रो रही है, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बाद ये वाली वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली, ये वाला फोटो मैंने डाउनलोड कर लिया, देखिए यहाँ पर मैंने ये सारी फोटोज़ को है मैं अच्छे से यहाँ पर मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। अभी देखिए ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पर इमेज दिखाया गया है और इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर ले रहा हूँ। देखो ये देखो धरती गर्म हो रही है, धरती जब गर्म हो रही है तो कैसी हो रही है, इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया। तो इस तरह से आपको कई सारे फोटोज यहाँ पर डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने और भी कुछ सारे फोटोज आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड कर ले रहा और ये सारी फोटोज जो है आप अपने एडिटिंग करते समय कैसे आपको करना है। देखो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग केयर करके बताया गया है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैंने कई सारे फोटोज को यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पर आपको ओपन करना है काइन मास्टर। तो दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने काइन मास्टर जो है ओपन कर लिया। अब काइन मास्टर ओपन
करने के बाद यहां पर सबसे पहले एस्पेक्ट रेशियो यहां पर पूछा गया है कि आपको कौन सा एस्पेक्ट रेशियो लेना है। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा ना कि आप 16:9 रेशियो लीजिए, नहीं तो आप यहां पर एक रेशियो ये लीजिए 4:3 वाला रेशियो, आप ये भी ले सकते हो, लेकिन आप 16:9 वाला लीजिए और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपका यहां पर इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपने जो भी फोटोज लिया हुआ है सबसे पहले यहां पर इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर बैक कर लेते हैं। अब बैक करने के बाद में यहाँ पर हमको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद हमने जो जो पिक्चर लिया हुआ था उन सारे पिक्चर्स को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो पिक्चर्स पे क्लिक किया, देखिए ये सारे पिक्चर्स मैंने लिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 फोटो जितना मैंने ले लिया। अब 4 फोटोज को ले लिया, अब यहाँ पर आपको करना क्या है मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लो। देखो उसी तरह से फोटो यहाँ पर आ गया जैसे मैंने आपको वीडियोज में बताया था। अब यहाँ पर एक चीज ट्रिक लगाना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक है कि क्या यहाँ पर आपको म्यूजिक डाउनलोड करना है, म्यूजिक यहाँ पर कौन सा लगाना है, और ऐसी म्यूजिक लगाना है जिससे कि लोग उस म्यूजिक को सुनने के बाद ना एक ठहराव वाला म्यूजिक लगाना है। ऐसा नहीं कि कोई म्यूजिक टिंग टिंग पिंटिंग टिंग पिंटिंग कुछ भी म्यूजिक लगा देना है और आप सोचो कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, नहीं। आपको फोटेज के हिसाब से वीडियो लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए गंभीर समस्या है तो आपको कोई सीरियस म्यूजिक लगाना पड़ेगा और वो भी कॉपीराइट फ्री वाली म्यूजिक। आपको कोई सीरियस म्यूजिक लगाना पड़ेगा जिसको लगे कि हाँ यार भाई ऐसी गंभीर समस्या यहाँ पर हो रही है। म्यूजिक काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है दोस्तों वीडियो को वायरल करने के लिए और लोगों के दिमाग को वो ना रोक देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है म्यूजिक। आप मूवीज देखे होंगे जब वहां पर देखते हो रहे होंगे कि मतलब कुछ भयंकर होने वाला होगा ना तो कुछ ऐसा म्यूजिक चलने लगा होगा कि आपका हार्ट बीट रुक जाएगा कि अरे भाई क्या होने वाला, क्या होने वाला। म्यूजिक ही सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट कर देता है। म्यूजिक अगर मान लो गाने वाला म्यूजिक रहेगा तो आपको लगेगा हाँ सब कुछ खुश है, हैप्पी है। आपको कुछ ऐसा जब देखो कुछ डरावना होने वाला होता है तो म्यूजिक भी उसी तरह से डरावनी हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ उसी तरह से यहाँ पर आपको म्यूजिक भी डालना है। तो यहाँ पर देखिए फोटो आ गया। अब ये देखिए ये सब फोटो इसी तरह से चलती जा रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करके चलाऊंगा, ये देखो देखो क्लिक करके मैं अगर इसको चला रहा हूँ यहाँ पर, देखो इस तरह से ये फोटो रुका हुआ है, ये चल नहीं रहा, मतलब इसी तरह से देखो फोटो चेंज हो रहा है। तो हमको सिंपल से यहाँ पर ट्रिक लगाना पड़ेगा, हमको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, पैन एंड जूम पे, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बराबर वाले ऑप्शन पर आपको नहीं क्लिक करना है, इसको इसी तरह से रहने देना है। ऊपर वाले पर क्लिक करना है, थोड़ा सा इसको इस तरह से जूम करना है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से जूम करना है। और इसके बाद नीचे वाले को आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो मैं इसको चला रहा हूँ, देखो कैसे लगेगा, ये देखिए वीडियो चल रही है, ये धीरे धीरे इमेज जो है बड़ा से छोटा हो रहा है। तो इससे वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और इसी तरह से हमें सभी फोटोज़ को कर देना है, धीरे 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 इस तरह से हमें कर देना है सभी फोटोज़ को यहाँ पर। अब देखिए ये सारी वीडियो जो है ये देखिए इस तरह से चल रही है। अब आपको देखने में अच्छा लग रहा है ना, अब इसमें हमको क्या ऐड करना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक। अब बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या ऐड करना है, यहाँ पर हम म्यूजिक पे जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने म्यूजिक डाउनलोड नहीं किया हुआ है, आप कोई भी म्यूजिक अपने हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दिया है, आपको यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा, इसमें म्यूजिक नहीं है। मैं यहाँ पर अलग से म्यूजिक ऐड कर रहा हूँ और म्यूजिक ऐड करने के बाद ये वाली वीडियो चला रहा हूँ, देखिए कैसा लगता है। देखिए देखिए अच्छा लगा ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इन सभी वीडियोज़ में अभी जैसे ऊपर में देखिए क्या लिखा, ग्लोबल वार्मिंग केयर, इसके बाद दूसरे वाली वीडियोज़ में यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी। देखिए जैसे ग्लोबल वार्मिंग है यहाँ पर, मैंने और अभी आपको कई सारे फुटेज दिखाई हुए हैं ना, यहाँ पर आप सामने देखो फुटेज में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ मैसेज लिखा गया है। और यही मैसेज है जो लोग पढ़ करके आपकी वीडियो को देखेंगे और आपकी वीडियो को शेयर भी करेंगे, डाउनलोड भी करेंगे, अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाएंगे, क्योंकि इस मैसेज से एक सोशल अवेयरनेस का मैसेज जा रहा है, एक जागरूकता वाला मैसेज जा रहा है, जिससे कि लोग इसे पसंद करेंगे और लोग पसंद करने के बाद इसे लोग अपने साथ में दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे, अरे भाई देखो ये सच में हो रहा है, ऐसा चीजें हो रही है, इस चीज को रोका जाए, ठीक है। तो ऐसी वाली वीडियोस बना करके दोस्तों आप अपने चैनल पर अपलोड करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू प्रूफ में दिखा दिया कि व्यूज भी दिखा दिया, अर्निंग भी दिखा दिया और चैनल पर सब्सक्राइबर कितने तेजी से बढ़ते हैं वो भी सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आपको जरूर बताना है, लाइक करना है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।